नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। ये स्टॉक 62 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड पिछले कल फ्राइडे को मार्केट में इसने 5% का डाउन मूव दिया है। लोअर सर्किट में लॉक हुआ था ये। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका रिजल्ट जो कि काफ़ी ख़राब आया है। हम डिस्कस करेंगे क्यों ख़राब आया है, क्या हो सकता है मार्केट में, इसके प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, किस तरीके से मार्केट इसको लेगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट कैप की बात करें तो 15,436 करोड़ का मार्केट कैप है। 70.3% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। स्टॉक वैसे फंडामेंटली चेक करें तो काफ़ी अच्छा है एंड जिस सेक्टर में है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वैसे तो पोटेंशियल है इस स्टॉक में, बट इस बार का रिजल्ट थोड़ा खराब आया है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले एक बार चार्ट पे नजर मार लेते हैं। तो चार्ट का हमने बोला था कि ये वाला जो है ये इसका रेजिस्टेंस बना था एंड हो सकता है कि ये सपोर्ट भी बने। पहले उम्मीद थी कि इस सपोर्ट से रिवर्सल लेगा, बट अब तो रिजल्ट भी खराब आ गया है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और नीचे जाए। तो अपने स्टॉप लॉस बिल्कुल ना भूले, ये इसकी रेजिस्टेंस थी एंड यहां से ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। तो थोड़ा सा अभी दिक्कत की बात है क्योंकि इस रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट जो स्ट्रांग बन गया था इससे ऊपर रहता तो ठीक बात थी, एक तो कुछ देखा जा सकता था कि हाँ चलो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी इससे थोड़ा और नीचे गिरेगा। ओके, चलते हैं अभी रिजल्ट पे। तो रिजल्ट इसका आ गया था 9 तारीख को, ठीक है। आज है 10, तो मैंने कल वीडियो संभाव नहीं बनाई क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तब तक आया नहीं था रिजल्ट, लेट आया। तो अभी देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को ढंग से दिखाई दे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बड़ी है, पर बहुत छोटू सी बड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ी है। यहाँ पे डिविडेंड इनकम की बात करें तो बहुत ज्यादा कम हो गया, पहले 192 थी एंड अब 36 है, ठीक है, बहुत कम हो गया। रेंटल इनकम ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। फी एंड कमीशन इनकम पे थोड़ा छोटू सा मूव आया है, इतना कुछ बड़ा मूव नहीं है। एंड नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस उस पे कम आया है, ठीक है। तो दिक्कत बेसिकली कहाँ आई है, देखिए आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना उसमें और उसमें पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में काफी ज्यादा का फर्क है, ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास का फर्क है, ठीक है। अदर इनकम इस बार थोड़ी ज्यादा है, पिछली बार 5.19 थी, इस बार 15.44 है, थोड़ी सी ज्यादा है, पर इतना कुछ मेजर रोल वो प्ले कर नहीं पाएगी। तो टोटल इनकम की भी बात करें तो पहले 612 था, 600 ये लैक्स में होता है सारा, तो पहले 612 लाख था एंड अभी 469 लैक्स है, ठीक है। तो काफी मेजर फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है। अब देखिए यहाँ पे एक तो इनकम में हो गया ये टोटल इनकम में फर्क पड़ गया एंड अब आगे जो मेजर फर्क पड़ा है वो एक्सपेंसेस देखिए आप कितने ज्यादा आ गए हैं यहाँ पे। पहले 92 थे पिछले क्वार्टर में एंड अभी आए हैं 397। अब ये कहाँ पे फर्क पड़ा है, ये फर्क पड़ा है यहाँ पे, ये जो पिछले क्वार्टर में थे ये पहले से इनके पास या तो सरप्लस पड़ा था या इनके नहीं हुए। अगर सरप्लस पड़ा था तो वो यहां पे यूज किया गया, या तो क्योंकि हुए तो हुए हैं इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक्सपेंसेस, बट ये पुराना इनका सरप्लस पड़ा था वहां से इन्होंने यूज कर लिया एंड इस बार नहीं था इनके पास। तो चलो यहां पर बहुत ज्यादा भी नहीं आया है, कम आया है, पर आप बाकी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम सी है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। यहाँ पे ये सारे बिल्कुल सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, पर यहाँ पे ये 294 माइनस हो गया है यहाँ पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है इसका। तो एक्सपेंसिव वहां पे 92 थे, तो यहीं से सारा माहौल गड़बड़ हो गया एंड उसी की वजह से बाकी सारी चीजें देखिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए पिछले साल जो था, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे। तो पिछले साल जो था वो था 519 प्रॉफिट, सॉरी पिछले लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर टू में 519 लैक्स था एंड इस बार जो है वो 72 लैक्स है सिर्फ। तो ये बहुत बड़ा यू नो फर्क है एंड बिफोर टैक्स का ये 71 आता है, ये 519.62 है। तो बिल्कुल अगर प्रॉफिट नेट पे जाके बात करें कि कितना है, तो इस पिछले क्वार्टर में था 172 एंड इस बार आया है 39.32। तो ये काफी बड़ा मूव नीचे आ गया है इसका, सॉरी ये मैंने दूसरा ही ले लिया। तो काफी नीचे आ गया है इस बार, रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा जो कि उम्मीद थी। ये आपको अगर याद होगा तो पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर टू में, अगर आप IRFC को फॉलो करते हैं तो IRFC के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद थी, पर चलो वो इतने नीचे नहीं गिरे थे, वो थोड़ा सा अप ही मूव दिया था उन्होंने, बट उतने कुछ अच्छे रिजल्ट आए नहीं थे,
क्वार्टर टू के, एंड इस बार ये आईएफसीआई के साथ ये थोड़ा सा हो गया दिक्कत, बट मुझे लगता है कि देखिए पोटेंशियल तो है स्टॉक में एंड ये ऊपर भी जाएगा डेफिनेटली, सेक्टर बहुत अच्छा है इसका, बट मुझे लगता है कि जो नंबर्स आ रहे हैं, देखो जैसे बोलते हैं ना भाव भगवान है ना, तो भाव भगवान छे, तो जैसे गुजराती बोलते हैं भाव भगवान छे, तो देखिए जो नंबर्स हैं, नंबर्स बोलते हैं मार्केट में, एंड मुझे लगता है नंबर्स को देख के मार्केट में डाउन मूव आएगा। देखिए जैसे अगर आपको पता होगा धनलक्ष्मी का जो रिजल्ट आया था, नंबर्स बोल रहे थे कि वो बड़ा गंदा रिजल्ट है, बट अगर आप ढंग से उसको देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया था, बट किसी ने उतने डीप में जाके देखा नहीं एंड नंबर्स देख के वहां पे ऑपरेट किया गया सारा कुछ, जो मार्केट जो बोलती है वो नंबर्स देख के बोलती है, तो मुझे लगता है स्टॉक नीचे गिरेगा, तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस लेना ना भूले। एंट्री की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैं होती तो यहाँ पे मैं दोनों ही एंट्री नहीं बनाती अभी के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तब उस टाइम एंट्री बनाने का आपको मौका मिलेगा, एंड जिन्होंने पहले एंट्री बना ली है मुझे लगता है कि उनको एवरेज आउट करना चाहिए। रेस्ट कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, हैव ए हैप्पी वीकेंड।